हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीरोधा से कैसे हम आईपीओ अप्लाई करें आसान तरीके से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पर एक सीरीज बना रहे, बाद में स्ट्रेटेजी उसमें ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो आपको कुछ लर्निंग करना है तो उसका सिंपल सा वे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं जीरोधा की वेबसाइट के ऊपर। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ये प्रोफाइल है वहां पे क्लिक करना है, वहां से जाके आपको कंसोल में जाना है। जैसे ही आप कंसोल में जाते हो तो आपको क्या है कि वहां आपको लॉगिन करने का पूछेगा। तो अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना, अगर लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में आपको क्या करना है, इधर पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन आएगा आईपीओ, तो उस पे जाना है। तो अगर आप इधर जाओगे तो बाद में देखो, पहले देख लेते जो ये आईपीओ विंडो है कब तक खुला रहेगा। तो सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा। बाद में क्या है कि इसमें आप यूपीआई आईडी से ही पे कर सकते हो, तो ये एक आपको देखना पड़ेगा, आप यूपीआई आईडी से ही आपको पे करना है इसमें। तो बाद में देखो जितने आईपीओ ओपन हो गए वो इधर आ जाएंगे। देखो अभी हाल फिलहाल सीएसबी बैंक का ओपन है तो वो इधर आ गए, दूसरे कोई का ओपन एक साथ हो गए तो दोनों आ जाएंगे। तो जितने ओपन हो गए उतने आ जाएंगे। तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए करना क्या, इधर लिखा है प्लेस बिड। इधर आओगे तो एक विंडो आपको ओपन दिखा मिलेगा, इसमें आपको क्या है कि डिटेल भी मिल जाएगी, कब ओपन वाला है वो मिल जाएगा, कब क्लोज होने वाला है वो मिल जाएगा, इश्यू साइज वगैरह कितने है वो मिल जाएगी और कितने प्राइस पे मिलेगा वो मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या, इधर आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। बाद में क्या है कि अगर आप यूपीआई है दूसरे प्लेटफॉर्म यूपीआई का यूज करो तो उसमें भी होगा। देखो एक्सिस बैंक यूपीआई जो भी है, सिटी है, बाद में ओकेएक्स एचडीएफसी वगैरह जो भी है, यहाँ से आप जो भी आपका आता है वो यूज कर ले। मैं पर्सनली यूपीआई भीम का यूपीआई यूज करता हूँ, तो ये आपको इधर डाल देना है। बाद में आते कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पे चाहिए आपको, तो इधर आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी प्राइस पे आप बाद में इधर बीड लगा सकते हो। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ कोई भी आईपीओ तब आपको ये मिलता है, मोस्टली आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पे कट ऑफ पे ही मिलता है। तो मोस्टली हम जो भी करते वो कट ऑफ पे ही डालते, तो इधर हम यूपीआई आईडी डाल देते। वो सब डालने के बाद इधर आपको क्या है कि क्वांटिटी कर देनी है। चलो मान लेते कि मेरे को 2 लोट चाहिए, तो जितने का लोट है उतना आपको क्वांटिटी डालनी है। तो 150 में क्वांटिटी डाल देता हूँ और मैं कट ऑफ पे ही मोस्टली रखता हूँ, क्योंकि जो मैं आईपीओ भरता हूँ वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं वही मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि तभी आपको ओपनिंग गेन मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो मोस्टली हम ओवर सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ डालते हैं, तो मैंने 2 लोट लगाए और कट ऑफ प्राइस पे डाल रहा हूँ। तो ये देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको इधर क्या है कि इसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर लेना है और बाद में इसमें सबमिट कर देना है। तो बाद में क्या आएगा, आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट ऐसा आ जाएगा और बाद में आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। इधर मॉडिफाई बिड लिखोगे तो ये आ जाएगा। बाद में अगर आपको इधर 150 से निकाल के 75/1 लोट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। ऑर्डर डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हो आप। इधर से सब कुछ हो जाएगा, डिलीट ऑर्डर करके अपडेट कर दीजिएगा, हो जाएगा सब कुछ इधर से ही हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे को नहीं भरना चाहिए तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हो। और इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि आपके पैसे वो इमीडिएटली नहीं कटते, जब आपको क्या है कि आईपीओ मिलता है तब कटते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। तो इसमें एक अच्छा फ्यूचर है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया, आपने आईपीओ सबमिट कर दिया, लेकिन उसके आगे की प्रोसेस होते हैं जो उसको फिनिश करना है वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो आपके मोबाइल में भीम एप्लीकेशन में जाने, वहां जाके आपको जो माय मैंडेट सेक्शन है, देखो इधर होगा माय मैंडेट सेक्शन, उस पर क्लिक कर लेने। बाद में क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ही आप माय मैंडेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इधर एक पेंडिंग में दिखाएगा कौन सी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी हो, क्योंकि अभी आपने प्रोसीड नहीं की। तो पेंडिंग में जाना है, पेंडिंग में जाके आपको इधर लिखाएगा सीएसबी बैंक आईपीओ वगैरह कितना अमाउंट है वो सब है, इधर से आपको प्रोसीड कर देना। उसके बाद आपका जो भी पिन है वो डाल देना, तो आपको क्या है कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपको मिलता है तो आपको बैंक अकाउंट में से आपके पैसे निकल जाएंगे, अगर नहीं मिलता तो आपके बैंक में ही रहेंगे। तो ये देखो मैंने फोटो लिया, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट हम नहीं निकाल सकते भीम यूपीआई में, इसीलिए मैंने आपको फोटो में बताया। आई होप को ये सब प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छे लगा हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा देना, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैंने आगे बताया कि हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और बाद में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका
आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।